हाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आपका दिन बड़ा अच्छा जा रहा होगा, और इन सिक्स इंटरव्यूज के ये जो रिव्यूज हम डाल रहे हैं आपके लिए बड़े फायदेमंद होगा। अभी हम आपसे मुलाकात करवाते हैं एक बच्चे से जिसने जामिया में पढ़ा था, 7th रैंक आई थी उसकी जामिया के जनरल में, ठीक है। अब एमयू में उसके 73 या 74 मार्क्स हैं, जैनुल आबदीन बच्चा है, बड़ा शानदार है। जानते हैं आज उसका जो इंटरव्यू हुआ उसमें उसके कौन कौन से सवाल पूछे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पता चल गया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं। आज सवाल क्या 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 पहले सर, वाले सलाम जो गए हैं। सर जब हम गए थे तो साइन करवाए थे, अंदर गए थे तो, और उसके बाद इंटरव्यू लिया, इंट्रोडक्शन हुआ। हाँ इंट्रोडक्शन में बीच में से रोक के उसके बाद उन्होंने पूछने लगे कि आपके पापा किस टाइप के डॉक्टर हैं, तो हाँ मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि चार खलीफा के नाम बताओ हुजूर के, ठीक है तो और उसके बाद पूछा हुजूर के सबसे करीबी कौन है। ठीक। उसके बाद मैंने मना कर दिया, नहीं पता। और उसके बाद सर ने पूछा, फिर SST का सवाल पूछने लगे कि डायरेक्शन बताइए किधर से है, हाँ वो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ पूछा है ईस्ट, कोई। वो बता दिया। हाँ उसके बाद मुझे लगे अर्थ को जो डिवाइड करता है टू हिस्सों में, उसे लाइन को क्या कहते ठीक हैं, है, वो बता दिया होगा बताया। लैटिट्यूड यस लॉन्गिट्यूड, सर, ठीक वो है, बता दिया। उसके बाद कह रहे जाइए आप, बस बस सही, इतना इंटरव्यू, वो कॉन्फिडेंट होकर के मैंने। दिया तुमने, यस सर, इंट्रोडक्शन था अंग्रेजी में, यस सर, वाई एम यू, वाई यू नहीं पूछा कुछ तुमसे, नहीं पूछा सर, चलो अच्छा है। क्या बताया था आपका प्रोफेशन, कौन सा जॉब क्या करते मैंने बता हैं, दिया आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तो उसके बाद कोई पूछे नहीं उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक, नहीं उससे रिलेटेड कोई सवाल बना कुछ नहीं, नहीं बना बस पूछा। हाँ वो हल्का सा पूछ रहे हैं बस, फादर क्या करना एक चाह रहे मिनट भी हैं, मुश्किल से हुआ था। मुश्किल से हुआ था। अच्छा चलिए, आप तो बड़ा काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, एकदम स्टार्टिंग बुनियाद वन से जुड़े हुए यस हमारे सर, से ना, ठीक है। कैसा रहा है इमेज क्लासेस का एक्सपीरियंस, सर अच्छा था बहुत। बहुत अच्छा था। जामिया का भी एक्सपीरियंस रैंक 7, यस सर, तो क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी इमेज क्लासेस की आपको, सर DPT मोस्ट डीपीटी बहुत ज़्यादातर। अच्छी यस लगी, सर, और उससे बहुत प्रॉफिट हुआ, और जो डिस्कशन होता था संडे टेस्ट पेपर का वो बहुत अच्छा ये इम्पोर्टेंट बहुत रेयर था। बच्चों यस को सर, मैंने सुना है, ये बहुत रेयर हो सकता है, इंडिया में बहुत रेयर लोग ये काम करते होंगे। संडे टेस्ट पेपर हम जो लेते हैं किसी भी संडे मिस नहीं करते हैं, जब ये इंट्रेंस मोड में जाता है बच्चा, तो हम लोग ना जनवरी सॉरी अप्रैल से लेकर के नवंबर तक पूरा सिलेबस फिनिश करा देते हैं। नवंबर फर्स्ट वीक से हम इंट्रेंस मोड में ऑन हो जाते हैं, रोजाना क्लासेस होती है, तब तक उधर 5 दिन क्लास होती है, अब इंट्रेंस मोड में 6 दिन क्लास होती है, और संडे को जो क्लास होता है, संडे को सॉरी जो टेस्ट पेपर होता है, एक संडे एमयू पैटर्न, एक संडे जामिया पैटर्न, एक संडे बीएचयू पैटर्न, और तीनों टेस्ट पेपर 10 से 12 देने के बाद 12-15 पे, इनफैक्ट 2 दिन 2 मिनट में आंसर किया जाता है, और उसका पेपर का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत रेयर मैंने टॉपर्स को देखा है। इनफैक्ट मैं इमेज क्लास का सबसे खास फीचर अगर बताऊं तो एक ये है, और दूसरा है हमारा सीरीज बैच, है ना। बैच कैसा लगा सर जैनुल सही था, आबदीन, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। बहुत सारे यस सर, रिवीजन कैसा रहा वहां सर पे, अच्छा हुआ रिवीजन बहुत उसका। अच्छा रिवीजन यस हुआ, सर, फायदा मिला यस आपको, सर, बहुत मिला। ठीक है। अब ये जो आउट ऑफ सिलेबस के सवाल आ गए हैं, है यस ना, सर, पहली बार ऐसा हुआ कि सिक्स एंट्रेंस में आउट ऑफ सिलेबस के यस सर, सवाल आए, तो उसको देख करके तुम नर्वस नहीं हुए? नहीं सर, नहीं, अरे तो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस होगा, हाँ सर, वो तो आप सबके लिए था, सबके लिए और था, यस सर, सही बात है, ठीक है। पहले तो ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, अच्छा हाँ, फिर यहाँ आके पता चला कि आउट ऑफ सिलेबस थे। लगा लगा ही कि नहीं, आउट सारे सॉल्व किए मैथ्स के भी, ऑफ सिलेबस है। और हाँ आया भी आंसर, लेकिन अच्छा, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुई कुछ क्वेश्चंस में। कुछ कुछ मतलब वो तुम्हें तुम से सवाल बन रहे थे वो वाले आउट ऑफ मैथ्स सिलेबस वाले से। सब बनाए मैंने, चार गलत थे बस। अच्छा बहुत बढ़िया। हाँ सर बताएं, आपको इमेज क्लासेस के बारे में कहाँ से पता चला? सर वालेकुम सलाम। सर इमेज क्लास यूट्यूब से सर्च करके पता चला था सर। यूट्यूब पे सर्च किया ऐसे रैंडम जी हाँ सर, कि बेस्ट कोचिंग ऐसे करके, क्या जी सर्च जी किया जी था? यही देखते रहते थे सर, मैं कोचिंग की तलाश कर रहा हूँ, तो इन्होंने चेक करा, तो यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे जाके आपकी इमेज क्लासेस मिली। तो मतलब हम लोग यूट्यूब पे ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे जी हैं, सर, बहुत अच्छा ये बहुत काम कर रहे हैं जरूरी सर, है। और ऐसे पता नहीं चलता कहाँ आप आते हैं, सही बात है, कहीं भी उल्टी सीधी जगह फंस सकते थे। हाँ मुनासिब है। जी, अच्छा तो अब हमारे से कैसा लगा बहुत अच्छा आपको, लगा सर, बाकी जो भी मेरे उसकी है 8-10 बच्चे मैंने भी सर आपके एडमिशन 8-10 बच्चों करवाए। का जी एडमिशन हुआ हाँ है, अरे सर, मैंने माशाल्लाह पूरा बहुत बच्चा शानदार। सुना सर, बच्चे को अपने पढ़ाया हमने तो हमें मालूम है सर। जी, बिल्कुल, चलिए अच्छा है। बाकी पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी तो सर ये है, क्या मेरे हिसाब से तो सर आपसे बेस्ट तो अलीगढ़ में लगता कोई नहीं, नहीं है, कोई नहीं होगा चलिए जिस आज तरीके लेके शुक्रिया। चलते हैं। जी, आने वाले दौर में इनफैक्ट सर इस साल हमारे ना 3 रैंक वन आ चुकी है, जी सर, ठीक है। एक तो जामिया में रैंक वन है, इसी के साथ था ना, इसके जी साथ सर, बच्चा पढ़ता था, उम्मीद रजा, रैंक वन जी जामिया में। जी एक जामिया के आर्ट्स में रैंक वन आई है, जी सर, और एक एमयू के आर्ट्स एंड कॉमर्स में रैंक वन आई है, तो 3 रैंक 1 आ चुकी है। बिल्कुल सर, अब 6th और 9th इंट्रेंस का बाजी है मारना बस, है ना, जी जी सर, देखते हैं, उम्मीद करते हैं, ठीक है, चलिए ठीक ठीक है, है सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सलाम।